हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है, हम उसका एनालिसिस यहां पर करने जा रहे हैं। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। यदि आप पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करता चलूंगा। हालांकि पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में इतना बताना चाहता हूं कि ये टूल प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, उन्होंने इस टूल की शुरुआत की और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है। हालांकि जो कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं, हम उन्हें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की कैटेगरी में रखते हैं, और जो कंपनीज 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं, वो कंपनीज हम एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहते हैं, और जो कंपनीज 0, 1, 2 या 3 स्कोर अचीव कर पाती हैं, वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनी होती हैं और हमें उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लेंगे 3 राउंड्स में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 3 राउंड्स होंगे प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इन 3 राउंड्स के बाद में हम चर्चा करेंगे ग्रे एरियाज की, यानी कि ये वो एरियाज हैं जहां पर कंपनी कोई पॉइंट अचीव नहीं कर पाती है। हम आपको कंपनी का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाएंगे, साथ में हम आपको ये बताएंगे कि कंपनी ने कहां पर चूक की है जिसकी वजह से वो ये पॉइंट्स अचीव नहीं कर पाई है। तो इस एरिया को आप जरूर देखिएगा। हमारे तीनों राउंड्स को खत्म होने के बाद में हम ये राउंड को शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करेंगे ये वीडियो। उसके पहले आप हमारा डिस्क्लेमर देख सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम 3 राउंड लेंगे, तो इसमें हम चलते हैं सबसे पहले अपने पहले राउंड में। हमारा पहला राउंड है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड। इसमें 4 क्राइटेरिया है और ये रहे वो 4 क्राइटेरिया। इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की करंट ईयर में इनकम पॉजिटिव है या नहीं। यदि कंपनी की इनकम पॉजिटिव होगी तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी का 2020 में जो नेट इनकम है वो है 215.08, जैसा कि आप पहले कॉलम में देख रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव इनकम है और यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे, क्योंकि इसने इस कंडीशन को फुलफिल किया है। और अब हम आते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया की ओर। दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो ये हम चेक करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं पहले कॉलम में, बॉटम लाइन में रिटर्न ऑन एसेट्स है 19.09%। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है और यहाँ पर भी कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट, क्योंकि उसने इस कंडीशन को फुलफिल किया है। अब हमारी जो तीसरी क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जिसे कि हम साधारण भाषा में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं, वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम चेक करते हैं और हमने देखा, इसके लिए हमने कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के ऑडिटेड कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट डाउनलोड किया और हमने देखा, जैसा कि आप पहले कॉलम में देख रहे हैं, ये मार्च 2020 का फिगर है और ये मिलियंस के फिगर है, इसलिए जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये आ रहा है 446.77 करोड़। तो ये भी एक पॉजिटिव कैश फ्लो है, तो यहाँ पर भी कंपनी को 1 और पॉइंट मिलता है। तो अब तक हमने देखा कि हमारे 3 क्राइटेरिया हुए हैं, कंपनी को 3 में से 3 पॉइंट मिले हैं। अब जो चौथा क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी अभी जो हमने थर्ड क्राइटेरिया में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखा था वो फर्स्ट क्राइटेरिया के पॉजिटिव नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ऐसा है, यदि ऐसा होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने अभी अभी देखा था कि नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस था 446.77 करोड़ और जो इनकी नेट इनकम थी वो थी 215.08 करोड़। तो ये जो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेट इनकम से ज्यादा है, यानी कि कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल कर लिया है। तो यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको डाटा को
दोबारा से दिखा देता हूँ। तो ये रहा इनका कैश फ्लो 446.77 जो कि ज्यादा है इनकी नेट इनकम से 215.08 करोड़ से। तो यहाँ पर कंपनी को हम देंगे 1 पॉइंट और इस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट। हमारा पहला राउंड फ्रेंड्स खत्म हुआ। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट और कंपनी का पाइथ्रोस की स्कोर हो जाता है 4। अब हम चलेंगे अपने दूसरे राउंड में। दूसरा राउंड है हमारा लीवरेज का। इसमें हम लीवरेज और लिक्विडिटी दोनों की बातें करेंगे। इसमें 3 क्राइटेरिया है, आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया है। ये रहे वो 3 क्राइटेरिया। इसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट क्राइटेरिया। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म डेट है वो पिछले साल से कम हुआ है या नहीं। लॉन्ग टर्म डेट रेशियो की बात कर रहा हूं मैं। और ये एक लीवरेज से रिलेटेड रेशियो होता है, तो हमें ये चेक करना है कि कंपनी का बेसिकली लीवरेज लास्ट ईयर से कम हुआ है या नहीं। क्योंकि यदि लीवरेज कम हुआ होगा तो हम कहेंगे कि कंपनी का फंडामेंटल में सुधार आया है। तो इसके लिए हम चेक करते हैं और हमने अब दोनों साल के डाटा को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्च 2019 में जैसा कि सेकेंड कॉलम में है, इसमें डेट इक्विटी रेशियो है 0.00 और जो मार्च 2020 में ये हल्का सा 0.04 बड़ा है। ये बहुत ज्यादा फिगर नहीं है, ये माइनूटली कुछ 1 लाख का फर्क होगा। तो इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं और यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट क्योंकि इससे कोई फंडामेंटल इसका खराब नहीं होता है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देंगे 1 पॉइंट। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। यहाँ पर है हायर करेंट रेशियो इन करेंट ईयर। हमें जो प्रीवियस ईयर के डाटा से कंपेयर करना है कि करेंट ईयर का जो करेंट रेशियो है वो ज्यादा है या नहीं, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी से रिलेटेड रेशियो है करेंट रेशियो। तो ये हमें चेक करना है कि कंपनी की लिक्विडिटी में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। तो हम चेक करते हैं और हमने यहाँ पर देखा कि लास्ट ईयर इनका जो मार्च 2019 में 5.73 था, जबकि ये कम होकर के 5.70 हो गया है करेंट रेशियो मार्च 2020 में। तो ये कम हुआ है और इसके लिए हम यहाँ पर 0 पॉइंट देंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी हमने उनको 1.04 पर दिया था, लेकिन हम हर बार ऐसा नहीं कर सकते। तो हम 2 में से 1 में से हमने इनको कंसीडर किया और हमने 1 पॉइंट में इनको दिया 1 पॉइंट, और यहाँ पर हम इनका पॉइंट नहीं देंगे लिक्विडिटी में। तो अब तक हमारे 2 पॉइंट्स हुए हैं, 2 क्राइटेरिया हुए हैं, और अब हम चलते हैं तीसरे क्राइटेरिया में। जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। इसका मतलब है कि हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो शेयर्स हैं वो डाइल्यूट तो नहीं हुए हैं। शेयर डाइल्यूशन का मतलब होता है कि यदि कंपनी ने कोई अपने ड्यूरिंग द ईयर कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं तो हम कहेंगे कि कंपनी ने अपनी इक्विटी को डाइल्यूट किया है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो हमें केवल इतना चेक करना है कि क्या कोई नए इक्विटी शेयर इशू हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमने कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है उसको चेक किया और हमने देखा कि किसी भी तरह का कोई ये नया इक्विटी शेयर इशू नहीं हुआ है, और इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर देंगे पूरा 1 पॉइंट। तो हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट और यहाँ पर कंपनी को लीवरेज में मिलते हैं 2 पॉइंट। हमारा दूसरा राउंड खत्म हुआ। दूसरे राउंड में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट और कंपनी का स्कोर हो जाता है 6। तो हमारे 2 राउंड कंप्लीट हुए। तीसरे राउंड में 2 क्राइटेरिया है और जो तीसरा राउंड है वो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का। आइए चेक करते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया है। ये रहे वो क्राइटेरिया जिसमें की है पहला क्राइटेरिया हायर ग्रॉस मार्जिन। हमें ये चेक करना है कि करंट ईयर का जो ग्रॉस मार्जिन है वो प्रीवियस ईयर के ग्रॉस मार्जिन से ज्यादा है या नहीं। ग्रॉस मार्जिन का मतलब होता है कि कंपनी का ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। तो हम ये चेक करते हैं और हमने दोनों साल के डाटा को चेक किया और हमने देखा कि लास्ट ईयर मार्च 2019 में इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था 38.59% और ये मार्च 2020 में कम हो गया है और ये हो गया है 34.91%। तो ये एक कमी आई है और आप कह सकते हैं कि ये कंपनी की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देंगे 0 पॉइंट। और अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर जो कि है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का किस हद तक यूज किया है अपनी रेवेन्यू को या सेल्स को जनरेट करने के लिए। तो ये सीधा सीधा एक प्रोपोर्शन होता है सेल्स का और
टोटल एसेट्स का। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। हमने ये देखा कि लास्ट ईयर इनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो था वो 87.36% था, जो कि मार्च 2020 में कम हो गया है और 76.67% हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए अपने सेल्स का पूरी तरह से यूज नहीं किया और उन्होंने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव नहीं किया, इसलिए यहाँ पर कंपनी को हम देंगे एक और जीरो पॉइंट। तो यहाँ पर कंपनी को मिलता है एक और जीरो पॉइंट और इस प्रकार से ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलता है जीरो पॉइंट और थर्ड राउंड में कंपनी को मिलता है जीरो पॉइंट और कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है सिक्स। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो यहाँ पर कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड FY20 में एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी है। अब हम देखेंगे इसका ग्रे एरिया, हम ये देखेंगे कि कंपनी ने जो 3 पॉइंट्स खोए वो कहाँ कहाँ। तो ये रहा कंपनी का ग्रे एरिया और इसमें हम देखेंगे कि कंपनी ने कहाँ पर पॉइंट्स मिस किए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी ने 6 पॉइंट्स अचीव किए हैं और 3 पॉइंट्स लूज किए हैं, तो वो हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जैसा हम देख रहे हैं कि ये 3 हमारे कैटेगरीज थी, इनमें हम बात करेंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी की यदि हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि इसमें कंपनी को 4 में से 4 पॉइंट्स मिले थे, कोई इश्यू नहीं था। और लीवरेज में यदि हम देखें तो कंपनी ने 1 पॉइंट मिस किया था और वो था करंट रेशियो का पॉइंट। इसकी वजह यह थी, ये बहुत ही छोटे पॉइंट से इन्होंने मिस किया, तो उसकी वजह यह थी कि कंपनी का जो करंट एसेट्स है वो 40% इंक्रीज हुए हैं लेकिन जो कंपनी की करंट लाइबिलिटीज है वो 41% इंक्रीज हुई है। आप देख सकते हैं ऊपर वाला बॉक्स जो है वो करंट लाइबिलिटीज का है और नीचे वाला बॉक्स करंट एसेट्स का है। तो यहाँ पर एक छोटे से अंतर के साथ में कंपनी ने ये पॉइंट लूज किया है, 40 और 41% का फर्क रहा है, केवल 1% का फर्क रहा है। और यदि हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने 2 पॉइंट्स लूज किए हैं। सबसे पहला पॉइंट इसने किया है लूज ग्रॉस मार्जिन का। इसकी वजह ये थी कि इनका जो एबिट मार्जिन था लास्ट ईयर वो था 34% और ये कम होकर के 31% हो गया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट ईयर 34% था, 648 की सेल पर 226 का प्रॉफिट था और इस साल ये 863 की सेल पर 269 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर भी ये छोटे से पॉइंट के साथ में कंपनी ने एक पॉइंट खोया है, तो बहुत ज़्यादा कोई हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा कोई खराब इसका रिजल्ट रहा है। और यदि हम बात करें इनके एसेट टर्नओवर रेशियो की तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फर्क आया है और कंपनी के जो एसेट्स हैं वो 34% इंक्रीज हुए हैं जबकि सेल्स केवल 25% बढ़ी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा आप, इनके जो टोटल एसेट्स हैं वो 742 करोड़ से बढ़कर के 1125 करोड़ हो गए हैं 34%, जबकि इनकी जो सेल है वो आप देखेंगे यदि तो वो आ रही है इनकी 25% बढ़ी है 648 से लेकर के 863%। तो इस वजह से इन्होंने एक पॉइंट बड़े अंतर के साथ में खोया था, तो ये वजह थी और यहाँ पर कंपनी ने 3 पॉइंट्स खोए थे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।